हेलो चाचा, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आयु क्या सभी अच्छे होंगे। और नेक्स्ट जो पेपर आपको लोगों को होना है, फिजिक्स का होना है। बायोलॉजी का पेपर काफ़ी अच्छा गया, बच्चों के काफ़ी अच्छे रिव्यूज आए कि सर जितना पीडीएफ में क्वेश्चंस मैंने उनको बताया था सारे, लगभग लगभग अगर बात करें 70 नंबर के पेपर में से लगभग 55+ मार्क्स का उन्हीं पीडीएफ में से क्वेश्चंस देखने को मिले। मैं पूरा आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे 70 में से 60 एग्जैक्ट जो मैंने पूरा आपका अगर पेज देखेंगे, यहाँ पर पूरा एक एक क्वेश्चन लिखा है, कौन सा क्वेश्चन किस पेज से आया। और हर एक वीडियो, हर एक क्वेश्चन पेपर के साथ मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, जैसे आपका पेपर हो रहा है, और रिव्यू कर रहे हैं पूरे पेपर का कि कितने क्वेश्चन हमारे बताए हुआ है। तो एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू देखो, टोटल जो 8 थे जो मैंने आपको वीडियो दी थी, बाकी जो आपका कथन और निष्कर्ष था, ठीक है, वो मैंने आपको ना कराया और ना ही मैंने उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए कि ये आप अभी कथन और कारण पढ़ के जाइए। बाकी के अगर हम ऊपर 8 8 एमसीक्यू की बात करें तो 8 में से 5 क्वेश्चन आपके जो मैंने एमसीक्यू महत्वपूर्ण दिए थे वो आपको उसमें से देखने को मिले। और बाकी लगभग पूरे पेपर का 4 से 5 क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी सारे आपको पीडीएफ में से देखने को मिलेंगे। या पीडीएफ के जो आंसर्स है वो आपके उधर साइड में, ये पेज जो आपको दिख रहे हैं पूरे, ठीक है, ये जो आप पेज देख रहे हैं चलते हो, ये एक पूरा व्हाइट, जहां ब्लैक होगा यानी वो हमारा बताया हुआ नहीं आया। जैसे अगर मैं आपको नीचे ले चलो तो ये आपका देखो एक ब्लैक पेज आ गया। ये हमने आपको आंसर इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन देने के लिए अलग से इस तरह से ऐड कर रखा है ताकि आपको एक आंसर मिलता जाए। जितने आप ब्लैक कलर में देखेंगे यानी ये क्वेश्चन है ऐसे हैं जो हमारे पीडीएफ में से नहीं आए, बाकी जितने आप ये सारे क्वेश्चन देख रहे हैं व्हाइट पेज में, ये सारे हमारे उन्हीं पीडीएफ में से क्वेश्चन आ रखे हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो देख लेंगे जो मैंने आपको बायोलॉजी की दी है, उसमें आपको सारे मिल जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। और बाकी सब्जेक्ट की पीडीएफ हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, composer.com पर। और किसी और बच्चे को चाहिए, ठीक है, चाहे जैसे आपका फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश का, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपने गूगल में जाकर सर्च कर लेना है कंपोजर, और उसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, एमसीक्यू वगैरह सब हम क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी देखेंगे, प्लस जिन बच्चों को अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो आप कैसे ले सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पीडीएफ लेने के लिए कंपोजर सर्च कर लेना है, कंपोजर सर्च करते ही आपने हमारे होम पेज पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पर गूगल में सर्च कर लिया है कंपोजर, उसके बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट में सिंपली आपने थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है टॉप 30 क्वेश्चन का। टॉप 30 क्वेश्चन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा क्लास सेलेक्ट करने का, तो क्लास 12 सेलेक्ट कर लेना है। 12 पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट आपको दिख जाएंगे। तो नेक्स्ट जो है आपका फिजिक्स का पेपर है, तो फिजिक्स आपका हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल है, तो हम भौतिक विज्ञान पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर भौतिक विज्ञान की हिंदी और इंग्लिश मीडियम की सारी पीडीएफ आपको शो हो जाएंगे। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी पर किसी पर भी आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके यहाँ पर पीडीएफ सारी शो हो जाएंगी एक साथ। तो यहाँ पर कौन सी पीडीएफ आप कितने में ले सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और जो आपके पेपर में लगभग मान के चलिए क्वेश्चन आने ही आने हैं, सबकी कॉस्ट लिखी हो। जो जो पीडीएफ आपको चाहिए सिंपली आपने उसको ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे टोटल कॉस्ट सभी पीडीएफ की, जो फिजिक्स की है 4 पीडीएफ है, चारों की कॉस्ट 90 रुपये शो हो रही है। बट आपको हम एक कूपन कोड दे रहे हैं composer30, आपने ये अप्लाई कूपन करना है और लगभग आपको 30% का डिस्काउंट यानी 27 रुपये आपके माइनस हो जाएंगे। 63 की चारों पीडीएफ आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट कर देना है, पेमेंट होते ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे आपसे आपकी पूरी डिटेल पूछी जाएगी, आपका नाम वगैरह सब आपको फिल करना होगा। जैसे आप नाम वगैरह फिल करके पेमेंट करेंगे आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अब बात करें कि जो ये पूरी प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं वो सिंपली हमें क्या करें, यहाँ पर मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करा दिया, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा। आपको किस सब्जेक्ट की कौन सी पीडीएफ चाहिए वो आप हमको इस नंबर पर बताएंगे, आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, आप उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके डायरेक्ट पीडीएफ अपने व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं, ठीक है। आई होप बच्चे पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखो जैसे आप यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे इस वाले पेज में जाकर के, तो नेक्स्ट पेज आपका कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल कर लेनी है और लास्ट में यहाँ पर आप क्लिक करके प्लेस ऑर्डर कर देंगे। जैसे आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगी डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। वापस लेके चलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा हूँ पेपर के सॉल्यूशन पर। ये दिखाना भी जरूरी हो जाता है क्योंकि बच्चों के लगातार कमेंट्स आते हैं कि सर हम कहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो आई होप कि ये पूरा पेपर आप एक साइड में देख पा रहे होंगे, ये आपका आज का पेपर है जो आप दे करके आए हैं, ठीक है। तो करते हैं सीधा हम फर्स्ट क्वेश्चन से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, फाइलेरियासिस रोग होता है, किससे होता है। और मैं आपको इसके आंसर भी अगर ये वैसे मैंने पेज में यहाँ पर लिख रखे हैं क्योंकि मैं बार बार प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन में मैंने आपको दिखाया कि एक एक क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि पेज नंबर मैंने लिख लिए थे कौन सा क्वेश्चन हमारे किस पीडीएफ से आ रखा है। तो जो एमसीक्यू है वो मैंने यहाँ पर अलग से पेज में लिख लिया है क्योंकि बार बार पेज पलटने में टाइम आपका वेस्ट होता है और आप लोग भी थोड़ा बोर हो जाते हो देखते देखते, इसलिए यहाँ पर मैंने ये पहले से जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं ये मैंने सारे ही, और बाकी जो हमारे पीडीएफ से क्वेश्चन आ रखे हैं उन सबको मैंने एक कंप्लीट पीडीएफ बना दिया ताकि हमको लाइन वाइज हमको आंसर मिलता चले। तो बात करें पहले क्वेश्चन का आंसर, जो फाइलेरियासिस रोग होता है ये किससे होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 4th नंबर, वेचूरेरिया से, ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th नंबर।
उसका नेक्स्ट है। और ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी पीडीएफ से नहीं है, मैं आपको बताते चलूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन आ रखा है। जैसे मैंने आपको कहा कि 70 में से लगभग 55 प्लस मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारी पीडीएफ से आया हुआ है, मैं आपको बताते भी चलूंगा कौन सा क्वेश्चन आया और कौन सा नहीं आया। और नेक्स्ट आपका है प्रतिजैविकी का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है, ये हमारी पीडीएफ से आ रखा है। अगर आप एमसीक्यू वाली पीडीएफ देखेंगे उसमें पेज नंबर 8 पर ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि प्रतिजैविकी का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर, हम सीधा मैं आपको पीडीएफ पर लेकर चलता हूँ, ठीक है। पीडीएफ पर आप लोग देख लेंगे कहाँ पे इसका आंसर है, तो देख लेते हैं हमारा जो पेज नंबर 8 पे है। पहले एक तरफ मैं क्वेश्चन पेपर पूरा खोल लेता हूँ और सेकंड दूसरी तरफ आ जाएगा हमारा। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रतिजैविकी का निर्माण होता है, ये हमारा जो एमसीक्यू वाली पीडीएफ है, ये एमसीक्यू की मैंने ओपन कर लिया और पेज नंबर 8 पर ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मैं 8 पर लेकर चलता हूँ सीधा, प्रश्न नंबर 7 पेज, और ये आपका ये आ गया। देखो प्रश्न, प्रतिजैविक का निर्माण होता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है सूक्ष्म जीवों द्वारा, ठीक है। यानी इसका जो आपका ये क्वेश्चन था इसका चौथा नंबर आपका सही है, ठीक है। देखो आप सेम टू सेम देख पा रहे हो क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर गा है कि परजीवी जीवाणु का उपयोग व्यापारिक स्तर किसके द्वारा उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारी पीडीएफ से नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा मानव इंसुलिन, ठीक है। इसका थर्ड नंबर सही हो जाएगा, तो ये आपने देख लेना है। देखो मैं आपको पूरा क्लियर बताते चलूंगा, क्लियर बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आया कौन सा नहीं आया। 55 प्लस मार्क्स का, 70 में से 55 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन हमारी पीडीएफ से आ रखे हैं। सिर्फ वैकल्पिक जो है वो आपके 3 से 4, सॉरी 3 है जो हमारे पीडीएफ से नहीं आया, बाकी सारे हमारे उससे देखने को मिले। नेक्स्ट है, देखो घा नंबर है, गोल्डन राइस में प्रचुरता होती है, किस चीज़ की प्रचुरता होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 12 पे, जो एमसीक्यू है हमारे पेज नंबर 12, ठीक है, 12 में आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे पेज नंबर 12 पे आ गए हम लोग, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि गोल्डन राइस में प्रचुरता होती है किस चीज़ की, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका आंसर विटामिन ए की, ठीक है। तो यानी इसका भी यहाँ पर फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, एक संकर संकरण में जीनोटाइप अनुपात कितना होता है, 5वां नंबर है। इसका जो सही आंसर मिल जाएगा वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 4 पर, ये एमसीक्यू की मैंने आपको पीडीएफ खोल करके दिखा दी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक संकरण में जीनोटाइप का अनुपात कितना होता है, तो 1:2:1 होता है, यानी 1:2:1, यानी सेकेंड नंबर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर है कि अगुणित द्विगुणता लिंग निर्धारण सिस्टम किस में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मधुमक्खी, ये आपका तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पीडीएफ से नहीं आया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चिकित्सा गर्भा सॉरी चिकित्सा सा गर्भता समापन की कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई, 1971, ये आपकी क्लास 10th में भी क्वेश्चन आपने पढ़ा, 11th में भी पढ़ा है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जा नंबर, जा है आपका मानव में 1 महीने की सा गर्भता के बाद भ्रूण में निर्मित होता है, क्या निर्मित होता है जा है, इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ सेकेंड नंबर पेज पर आपको मिल जाएगा, इसका सेकेंड नंबर पेज में एमसीक्यू में। तो इसका आंसर देख लेते हैं सेकेंड पेज में, ये रहा कि मानव में 1 महीने की सा गर्भता के बाद भ्रूण में निर्मित होता है, क्या निर्मित होता है, यहाँ पे आ जाएगा आपका पाद, ठीक है। तो ये आपका जा नंबर एमसीक्यू खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, देखो ये आपके अभिकथन और कारण वाले हैं, ये नाम मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 70 मैंने आपको बताया कि 70 में से 55 नंबर का, तो 2 नंबर तो आप ये हटा दो, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में आपका एक पूरा आप ये समझ सकते हैं कि अनसीन पैसेज टाइप दे देते हैं आपको, ठीक है। तो वो भी उसके सभी उन क्वेश्चन के आंसर भी आपको सीधा पेपर में मिल जाते हैं, तो वो भी हमने नहीं कराया। तो यानी ये मान के चलिए लगभग आपका लास्ट में आपका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ कितने नंबर का, 2 नंबर का तो आप ये छोड़ दो, ठीक है। 2 नंबर का ये छोड़ दो और लास्ट आप छोड़ दो कितने, 2 और 4, 6 नंबर। यानी अगर मैं बात करूँ आपसे तो टोटल देखो 64 में से, क्योंकि 6 नंबर का तो मैंने ऑलरेडी आपको जब मैं वीडियो प्रोवाइड करा रहा था उसमें मैंने आपको बता दिया ये 2 चीज़ नहीं कराने वालों, तो 6 नंबर यानी 70 में से 6 नंबर माइनस कर दो, 64 में से आपका 55 प्लस मार्क्स का आया, यानी 10 से 12 नंबर का ऐसा जो हमारे पीडीएफ से नहीं आए क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है ये अभी अभी कथन और कारण छोड़ दे रहे हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनका आंसर आप लोग क्या करके आए हैं, ठीक है। झा नंबर और अना नंबर का आप बता दीजिएगा क्या क्या है। उसके बाद सेकंड नंबर से स्टार्ट करते हैं आगे सॉल्यूशन। सेकंड नंबर में बच्चों आपका क्वेश्चन है कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा बहुभ्रूणता, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं इस टाइप के जहाँ पे आप नंबरिंग वगैरह देखेंगे, ये क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से नहीं है। फिर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, इसमें है बिंदु उत्परिवर्तन का एक उदाहरण दीजिए, तो बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण जो हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया में रक्त के हीमोग्लोबिन वर्णक के बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में बेस जोड़ी में उत्परिवर्तित होता है, ये आपने लिख देना है यहाँ पर, इसको पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले कारक का नाम लिखिए। ये जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, बस वो मिस है हमारे पीडीएफ में से 2-3, बाकी सारे आपको पीडीएफ में से देखने को मिलेंगे। तो है निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले कारक का नाम, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारे कारक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें बी टी क्या है, तो ये आप देख पा रहे हैं बी टी, ये पीडीएफ से आ रखा है हमारी, बी टी क्या है और ये कैसे निर्मित होता है, तो सिंपल आपको एक नंबर यहाँ पर मिल जाएगा।
प्रश्न नंबर 6 है, इधर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि स्त्री का अंडाशय के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए, वर्णन की आवश्यकता नहीं है, वर्णन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको चित्र बनाना है। तो आपको यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, देखो अगर आप इस यहाँ से यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो लास्ट में आपका लिखा है अंडाशय के अनुपस्थित काट, और ऊपर क्वेश्चन में आप पढ़ पा रहे हैं कि मानव मादा के अंडाशय की संरचना का वर्णन। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्लियर आ गया इसी में से। नेक्स्ट आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न अगला है, इसको मैं थोड़ा सा और ओपन कर लेता हूँ पेज को, और उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन है 7वां नंबर, पुष्पीय पादपों में द्विनिषेचन तथा त्रिसल्यन को समझाइए, रेखा चित्र भी दीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन हमारे देखो पीडीएफ से आ रखा है, तो इसका आंसर आप यहाँ पे ये पूरा डिटेल में पढ़ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो जो बच्चे देखना चाहते हैं आंसर यहाँ से इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका अगला जो क्वेश्चन है उस पर लेके चलता हूँ, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर किसका, 7वें का। फिर उसके बाद है 8वां, 8वें का हमने यहाँ पर 8वां जो चिकित्सकीय सह गर्भता समापन क्या है, इसके दो प्रभाव लिखिए। इसका आंसर हमारे पीडीएफ में नहीं था, बट जो इसके 8वां में क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पीडीएफ में है, तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ उसका आंसर, कि अपरा द्वारा उत्पादित किन्हीं 4 हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप अपरा द्वारा, यहाँ पे आप ये पूरा देखो क्वेश्चन हमारे सेम टू सेम छप करके आया है, जो पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको यूट्यूब पर भी बताए थे, इसके अलावा पीडीएफ से अवेलेबल करा दी थी। बाकी जिन बच्चों ने परचेस की है, आप लोगों का पेपर कैसा गया जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये पूरा अपरा आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट ये पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर। नेक्स्ट इसी के बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। मटर के एक शुद्ध लंबे टीटी तथा बौने पौधे पौधे का संकलन कराया गया, फिर F1 पीढ़ी व F2 पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे प्राप्त तो होंगे। ठीक है, ये बताना है आपको। तो ये आपका पूरा यहाँ पर दे रखा है, मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे TTR दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो उसको आपने देख लेना है, ये आपका कंप्लीट यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो गया, इसको पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है कि लिंग निर्धारण क्या होता है, मानव में लिंग निर्धारण का उल्लेख कीजिए। तो ये है पूरा मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये भी आप देख पा रहे हैं कि कंप्लीट हमारे पीडीएफ से आ रखा है क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पहले आपने इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ, प्रश्न नंबर है अगला 11 नंबर, कि आपके विचार में किशोरों को अल्कोहल और ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेम पीडीएफ से क्वेश्चन आया हुआ है कि आपके विचार से किशोरों को अल्कोहल और ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है, प्रश्न नंबर आपका 12 है। तो पहला है आपका देखो बायो रिएक्टर। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं पीडीएफ से क्वेश्चन आ रखा है, जिसमें आपका ईयर लिखा हुआ है, यानी वो हमारा पीडीएफ से क्वेश्चन आया हुआ है। इस पर है रासायनिक सुरक्षा परीक्षण। तो उसका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये देखो ये भी आपको उसी में से आ रखा है, रासायनिक सुरक्षा परीक्षण। फिर अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता रूपांतरित पौधों के उपयोग के कोई दो लाभ लिखने हैं। तो ये भी आप देख पा रहे हैं पीडीएफ से क्वेश्चन आ रखा है, अनुवांशिक रूपांतरित। ये पीडीएफ जिन बच्चों ने परचेस किया वो लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बाकी जिन्होंने यूट्यूब पर ये देखे, और जिन बच्चों ने नहीं देखी आप लोग जाके प्रीवियस जो प्लेलिस्ट है क्लास 12th की मैथ्स की बनी हुई है प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर, उसमें जाकर के आप ये वीडियोस देख सकते हैं, आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता दे रहा हूँ कि हाँ ये आ रखा है, तो आप खुद जाकर के चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आप अदर सब्जेक्ट की कोई पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिए या फिर वेबसाइट से जाकर के भी ले सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रश्न नंबर 13 का आंसर। ठीक है, ये यहाँ पे आप इसको पूरा डिटेल में देख पाएंगे, अगर आप देखना चाहते हैं तो पढ़ लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट उसके बाद अगला प्रश्न है, ये आप देखो ब्लैक कलर में आएगा, ये हमारे पीडीएफ से क्वेश्चन नहीं है, तो मैं आपको पूरा क्लियर बता दो चल रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है कौन सा नहीं। तो मानव इंसुलिन में पेप्टाइड सी की भूमिका बताइए, तो ये पेप्टाइड सी की भूमिका आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। उसका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 15 नंबर, 15 ग्रीन हाउस प्रभाव के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ऊपर वाला नहीं, हमने नीचे अथवा वाले आपको दोनों के आंसर दे दिए यहाँ पे। रेडियो एक्टिव अवशिष्ट क्या होता है, तो यहाँ पे आप ये पूरा पढ़ पाएंगे रेडियो एक्टिव। ठीक है, अवशिष्ट। उसके बाद दूसरा है आपका चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन देखो आप पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा ये पूरा। उसका नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 है, प्रथम स्तन या खीस कोलोस्ट्रम क्या होता है, नवजात शिशु के लिए इसका महत्व बताइए। 3 नंबर का प्रश्न था, देखो आप इसका आंसर देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 17 है, प्रश्न नंबर 17 देखो 16 का ऊपर वाला हो गया, अथवा करने की जरूरत नहीं है, तो 16 हमारी पीडीएफ से है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं 17 नंबर पर। फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये देखो हमारी पीडीएफ से क्वेश्चन नहीं, मैं आपको क्लियर बता तो चलो कौन सा है कौन सा नहीं है। तो फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, मॉर्गेन ने अपने प्रयोगों के लिए फल मक्खियों के साथ काम करना क्यों पसंद किया, तो यहाँ पे आप पूरा डिटेल में इसका आंसर पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18, वंशावली विश्लेषण क्या है, ऐसा विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी हो सकता है, प्रश्न नंबर 18। तो इसका देख लेते हैं, देखो वंशावली विश्लेषण हो गया, फिर इसके जो प्रकार उपयोगी प्रकार है वो आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 19 नंबर, सुकेंद्रित
सॉरी सु केंद्र की यूके रियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले 3 RNA पॉलीमेरेज के नाम लिखिए एवं उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 19 है, इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये आपका पूरा यहाँ पर डिटेल में इसका आंसर दिया गया है। बाकी कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, देखो इसी में प्रश्न नंबर 20 का अथवा 20 बायोगैस क्या है, इसका उत्पादन कैसे किया जा सकता है, बायोगैस उत्पादन में प्रयुक्त किए जाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। आपको 20 या फिर अथवा दोनों में से एक करना था, तो जो अथवा वाले क्वेश्चन थे वो हमारी पीडीएफ से आ रखे हैं। तो इसमें देखो पहला है आपका जैव उर्वरक, तो जैव उर्वरक देखो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में देखने को मिल जाएगा जैव उर्वरक। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में BOD, तो पहले जैव उर्वरक का पूरा आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। उसका नेक्स्ट आपका देखो BOD के बारे में लिखना था, तो आप यहाँ पे BOD के बारे में पूरा पढ़ पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, अगला प्रश्न है प्राकृतिक वरण, तो प्राकृतिक वरण भी बच्चों आप यहाँ पे इसका आंसर पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 पे लेके चलते हैं। 21 है पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी के प्रक्रमों का उल्लेख कीजिए, तो इनका उल्लेख करना था, तो आप इसका पूरा आंसर यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसको दिखा देते हैं, और अगला जो प्रश्न है इसके बाद वो है 22 नंबर, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की प्रक्रिया को समझाइए, 3 नंबर का प्रश्न था, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पीडीएफ से इसका आंसर आया हुआ है, ठीक है। पीडीएफ में से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, पूरा डिटेल में इसका आंसर आपको दिया गया है, ठीक है। तो उसको आपने पढ़ लेना है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो पूरा जो अथवा वाले क्वेश्चन है पारिस्थितिक पिरामिड उत्पादकता जीव भार वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट खा नंबर है आपका इसमें देखो उत्पादकता, ठीक है, उत्पादकता आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका गा नंबर, खा नंबर ये होगा उत्पादकता, उसके बाद गा नंबर जो इसमें वह है जीव भार, तो जीव भार आप इसका आंसर यहाँ पे पढ़ पाएंगे, ठीक है, जो ब्लैक कलर में वो हमारे पीडीएफ से नहीं है। नेक्स्ट आपका है प्रश्न 23 नंबर, 23 का देखो प्राकृतिक आवास में जीवों के मध्य होने वाली किन्हीं 3 अंतःक्रियाओं के नाम लिखे हैं और उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो अथवा वाले हमारे जो क्वेश्चन है वो पीडीएफ से आए हुए हैं। पवित्र उपवन के बारे में हम देख लेते हैं, पवित्र उपवन आपका ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क आपका ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट आपका संरक्षित जैव मंडल, तो उसका आंसर आप यहाँ पे ये पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हमारे पीडीएफ से नहीं है। तो इसका नेक्स्ट आपका है अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24 है कि लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं का नाम लिखिए। तो इसका जो अथवा में क्वेश्चन आ रखा है मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, तो हमको ऊपर या दोनों में से कोई ये करना था, तो अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे पीडीएफ से है, ये प्रश्न हो गया, इसका आंसर आपको यहाँ पर ये दे दिया गया है। इसी का खा नंबर आपका है शुक्र जनन एवं अंड जनन का आरेखीय निरूपण कीजिए, तो ये भी आप देख पा रहे हैं पूरे पीडीएफ से क्वेश्चन आया हुआ है सेम टू सेम। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 25 नंबर द्विकुंडलित DNA की संरचना की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, चित्र भी दीजिए, और इसी के अथवा में देखो आपका दूसरा क्वेश्चन है लिंग सहलग्न गुण किसे कहते हैं, लिंग सहलग्न गुण किसे कहते हैं, ये देख वर्णांध्र पुरुष का विवाह एक स्त्री, ये वाला आपका क्वेश्चन देखो डिट को सेम टू सेम आपका आ रखा है 4 नंबर का, ठीक है। तो ये पूरा पीडीएफ से क्वेश्चन आ रखा है, ये हमने आपको दे रखा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो इसका आंसर भी आप चाहें तो पूरा यहाँ पर डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल में आपको इसका आंसर दिया गया है 4 नंबर में था। तो ये तो हो गए बच्चों आपके कौन से क्वेश्चन जो हमारे पीडीएफ से आ रखे थे, बाकी जो आपके अभिकथन और कारण वाले थे वो हमारे क्वेश्चन मैंने आपको ना बताए थे कि ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके अलावा जो आपका ये 4 नंबर का आ रखा था जिसमें आपको क्या करना था अनुच्छेद दे रखा था, इसके जो पूछे गए प्रश्न थे उसके आंसर देने थे, तो ये 4 नंबर मैं जो पहले आपको अलग से बता चुका हूँ कि 2 नंबर के आपके वो अभिकथन और कारण हो गया, उसके अलावा 4 नंबर गए, 6 नंबर अगर पेपर को देखें तो मात्र हमारे 64 में से 55+ मार्क्स का जो है पेपर वो हमारे पीडीएफ से आया हुआ है। तो अब जैसे अब इसके अगर हमने ये पढ़ लिया उसके इससे जो संबंधित प्रश्न है वो देखते हैं, एड्स एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में कैसे फैलता है, तो इसका आंसर देखो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहीं पर इसका आंसर मिल जाएगा कि एड्स मुख्य रूप से HIV विषाणु द्वारा होता है, इसे रेट्रोवायरस भी कहते हैं, मुख्य रूप से यौन संबंधित संक्रमित व्यक्ति से करने पर यह फैलता है, कैसे फैलता है, यौन संबंध संक्रमित व्यक्ति से करने पर यह फैलता है, तो यहाँ पर इसका सिंपल इसका आंसर मिल जाएगा। ऐसे बाकी दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे, तो आप लोग आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट करके आए हैं, कितने मार्क्स आज के पेपर में बन रहे हैं, और जिन बच्चों ने PDF प्रिपेयर की है तो कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस पीडीएफ से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने का। बाकी नेक्स्ट पेपर के जो पीडीएफ है वो भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जो बच्चे लेना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सभी को बेस्ट विशेस नेक्स्ट पेपर के लिए और शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करते रहिए, कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के जो नेक्स्ट पेपर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।